आपके सामने वीडियो है देखिए देखे ना हम लोग उन लोगों से बात मामा होकर फर्स्ट टाइम मैं कॉम्प्रोमाइज करी इंग्लिश में विदाउट प्रोफाइल तो उसके बाद में आज भी सेम वही इंसिडेंट हुआ था कि वुमेन्स कॉलेज लेवल के बोले पर मेरे लेफ्ट साइड में नॉन मुस्लिम बॉय भी था उनके पीछे भी नॉन मुस्लिम बॉय था पैटो ऑफिस थे या कोई थे नहीं मालूम मुझे और फिर रहा आज का बुरखा नहीं निकालती बल्कि बोले तो आई एम धक्के देखे मुझे नीचे भिजाई के एग्जाम लिखना है तो बुरखा निकाल के आना तो मैं नीचे आ गई मैं लिखती बोली एग्जाम उसके बाद में फिर हचोड़ी से बात करने के लिए बोले फिर हचोड़ी के पास भी जाने नहीं दे रहे थे तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती करके हचोड़ी के पास गई वहाँ पे मैम बोले परमिशन दे दिए ओके आप लिख लो लेकिन जो नाइन्थ रूम नंबर नाइन के जो इंग्लिश लेटर थे उनको परमिशन नहीं दे रहे थे हचोड़ी आके उनको इन्फॉर्म भी करे कि ये लड़कियों को ले लो फिर बुरखे पे ही तो वो बोले कि नहीं इन लोग को रविंद्र रेड्डी का लेटर लेके आओ बोलो और इन लोग को कौन से तरीके से एग्ज़ाम लिखाना है आता मुझे और हॉल टिकट्स छीन लिए मेरे पास से हॉल टिकट्स से लिए फिर बात तरीके की बात करने नहीं आ रहा आप लोग स्पेशल हो क्या ये मतलब मैं मेरे सिर्फ मेरी अकेलों के लिए नहीं बोल रही बाकी और मुस्लिम्स के लिए भी मैं ये बात बोल रही लेकिन यहाँ पे और लोग इसलिए आवाज़ नहीं निकाल रहे क्योंकि आप लोग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मतलब बात करने का जो बिहेवियर है स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है एक रिक्वेस्ट है सर हम आपकी बात से एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आप जो मैडम जो आपका बिहेवियर है उन्होंने जो लेटर पूछे आप एग्जाम जब तक होंगे आप कॉलेज को बाहर होंगे एक रिक्वेस्ट है क्यों बोलेंगे या नहीं तो उनको बोलो कॉलेज रेवन रेड्डी का लेटर चाहिए बुरखा उतारने के लिए विदाउट बुरखा पहन के देने के लिए या तो उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऐसा लेटर बताइए जो आज बुरखा उतार के एग्जाम देना है गवर्नमेंट का मैडम इधर स्टेट में कहीं भी बुरखा उतार के एग्जाम लिखने का नहीं है अपने कहीं भी मगर यहाँ पे आप बोल रहे कहते बुरखा उतारो नहीं बोले परमिशन दे सबको हमारे पास प्रूफ है मैडम वीडियो वाले हां प्रूफ रहता आई एम अल्लाह बोल रहा है डॉक्टर सी दोस हु वांट टू देखो मैडम नो दोस हु वांट टू वेयर बुरखा राइट नाउ दैट व्हाट वी टेल एवरी ईयर नाउ आल्सो वी टोल्ड द सेम वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड रूम हां वी हैव प्रोवाइडेड रूम मैडम ఒక మాట చెప్తాండి So please allow us to do exam. Those who want to wear burqas, let them wear. Those who don't want, it is their wish. It is boys' college. Most of them will remove the burqas. And it is their wish. We have never forced them. And this issue... And this will all be... आज ये घंटा बाहर करा ये घंटा बाहर करा भाई जब आ गया मैं क्या बोलेगा वो मना चाह रहे हैं आप मैडम मैडम now we are going to do the exam to confirm मैडम जरा मेरे से बात करिए अभी जो हो गया होगा आइंदा प्रेशर हो गया हम कुछ भी नहीं कर रहे हम ड्यूटी है हम बोलते हैं एग्जाम कंडक्ट करना ना पीसफुली इतना चिट्ठी लाए तो हम क्या कैसा करना है एग्जामों में मात्र प्राइवेट रूम रखना एक लेडीज को बुर्का चेक कराना बोलते हैं आप रूम में है हमारी ड्यूटी है मतलब कैसी बात है आपकी किसी के रिलीजन पे नहीं बोलना आपको इतना नहीं है आपको आपके आपको किसी के रिलीजन पे नहीं बोलना तीन जने आके कंप्लेन करें।